तो आज हमारे सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट है और मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। आप एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले जानिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो सबसे पहले डेबिट साइड में आते हैं। टू डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में डिक्रीज होगा, बिजनेस के लिए लॉस है। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो लॉस है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज, टू डेप्रिसिएशन। ये जो पॉइंट्स है इससे हमारा बिजनेस में लॉस होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में आते हैं तो आप ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे। बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में घटना मेरे लिए फायदा है। देन बाय प्रीपेड एक्सपेंस, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज, बाय एप्रिसिएशन अकाउंट, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। ये जो इधर का पॉइंट है ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट को प्रॉफिट देता है, बढ़ाता है, और इधर का है जो घटाता है। तो ये तो अब फाइनली अब हम लोग आएंगे। डेबिट अगर क्रेडिट से ज़्यादा है तो लॉस, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, और अगर क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा है तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। लेकिन मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब हम लोगों को जानना है पार्टनर कैपिटल के बारे में। तो पार्टनर कैपिटल के बारे में जानने के लिए हम लोग कुछ यूं आएंगे और देखेंगे पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल पर्सनल अकाउंट के रूल में बनता है और डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। तो आप सबसे फर्स्ट आइटम को देखेंगे क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, बाय जनरल रिजर्व ब्रैकेट ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में बटता है, बाय वॉकमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ओल्ड रेशियो में, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड रेशियो में। जरा इस साइड के आइटम के ऊपर भी ध्यान दें। टू गुडविल अकाउंट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो ये राइट ऑफ होता है ओल्ड रेशियो में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस पार्टनर कैपिटल टू पीएल अकाउंट राइट ऑफ होता है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ होता है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में लॉस आया है तो यहां आ जाएगा ओल्ड रेशियो में। और टू एसेट्स अकाउंट इफ परचेज बाय पार्टनर। अगर ये एंट्रीज पूरा कर लेते हैं तो क्रेडिट का टोटल डेबिट से ज्यादा होने पर यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। देखिए यहां मैंने लिखा है क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये पेज मेरा कंप्लीट होता है। देन मैं आता हूं नेक्स्ट। ये है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आते हैं एसेट साइड में। अगर लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में डेप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस करके लिखेंगे। फर्नीचर अगर एप्रिशिएट हो रहा है तो प्लस करके लिखेंगे। डेटर में अगर प्रोविजन क्रिएट है तो माइनस करके लिखेंगे। उसी तरह से बिल रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट में है तो यहां भी आ जाएगा। अक्रूड इनकम अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहां भी आ जाएगा। देन कैश और बैंक। लाइबिलिटी साइड में आए तो सबसे पहले क्रेडिटर, इंक्रीज डिक्रीज अगर होगा तो प्लस माइनस करके लिखेंगे। बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो आएगा ही आएगा, प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल भी आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, देन बैलेंस शीट मेरा टैली हो जाएगा। लेकिन यहां पर कैश और बैंक से रिलेटेड एक कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं एक सिंपल फॉर्मेट को लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें कैश और बैंक का भी कैलकुलेशन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में प्लस होगा कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, प्लस होगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्लस होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, यही हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। यानी कि बैलेंस शीट में कैश या बैंक में जो पैसा जाएगा उस वर्किंग नोट से जाएगा। तो कैसा रहा मेरा फॉर्मेट, आप लोग जरूर इसको यूज़ करें। ओके, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ कुछ दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाने पाएँ, और इसी तरह से मेरे इस मोटिवेशन को बनाए रखें ताकि मैं नए नए वीडियो देता रहूँ। थैंक यू।